हमारा टॉपिक चल रहा था ड्राई स्किन के लिए फेस पैक कैसे तैयार करें। तो अलग अलग तरह से फेस पैक चल रहे थे ड्राई स्किन को इस मौसम में नमीदार बनाए रखने के लिए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल हनी और दूध से तैयार फेस पैक। इसको भी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। चावल हनी और दूध, ये तीनों चीज़ें हमारे घर पे किचन में अवेलेबल रहती हैं। तो इस ऐसे फेस पैक जिसमें मार्केट से कुछ नहीं खरीदना, आपको किचन में ही सब कुछ मिल जाता है और फटाफट से तैयार हो जाता है। तो इस फेस पैक को जब तक हम तैयार करते हैं, तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। नमस्कार दर्शकों, मैं सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए फेस पैक को तैयार करते हैं। फेस पैक को तैयार करने से पहले मैं बताना चाहूंगी चावल हमारी स्किन के लिए किस तरह से फायदेमंद है। यानी कि चावल होता है वो हमारी डेड स्किन की जो परत होती है उनको उतारता है, उनको अलग कर देता है और स्किन के अंदर कसावट लाता है, दाग धब्बे दूर कर देता है। और इसके अलावा जो हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं, परत होती हैं, उनको स्ट्रोंग बनाता है। हमारे एसिड के जैसे जलन होती है स्किन में किसी कारणवश हो या फिर नेचुरल हो या फिर जर्म्स होते हैं, पॉल्यूशन होता है किसी भी प्रकार का, तो उससे प्रोटेक्शन भी करता है और स्किन में टाइटनेस लाता है। इस फेस पैक को आपको वीक में 2 बार यूज करना है। आपको सारी चीजें उसी क्वांटिटी में लेनी है जिस क्वांटिटी में आप लगाना चाहिए। केवल फेस पे लगाना है तो आपको मैं जितना ले रही हूँ उसी हिसाब से लेना। नेक पे लगाना है तो भी थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लेना है। मैंने 1 चम्मच चावल का आटा लिया है, 2 चम्मच दूध के लिए है, आधा चम्मच शहद का लेना है। यानी कि इसमें आप फेस पे ही यूज कर रहे हैं तो आधा ही लें, और नेक यूज कर रहे हैं तो आप आधे से ज्यादा चम्मच ले सकते हैं। आपको इसमें लग रहा है कि टाइट है या लूज है, तो कंसिस्टेंसी सही बनाने के लिए आप इस टाइट लग रहा है तो इसमें चावल या दूध मिला सकते हो। अच्छे से आप मेस करें। सबसे पहले आप सिंपल पानी से कॉटन को भिगो करके उससे फेस को साफ करें, या फिर जो भी आपका टोनर है उससे भी साफ कर सकें। इसको लगाने के पश्चात जब आप उतारें तो ये चावल का आटा होता है वो थोड़ा दानेदार होता है, इसमें मोटे मोटे दाने होते हैं। तो इसको आप, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो एज ए स्क्रब या एज ए मसाज की तरह ना काम में लें। इसको डायरेक्ट ही जैसे आप मुंह धोते हैं उसी प्रकार से मुंह धो करके सिंपल तरीके से इसको उतारें, अदरवाइज स्किन पे रेडनेस आ जाएगा। ये देखिए पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। इसको आपको 10 मिनट तक या ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक रखना है। उसके बाद में आपको सिंपल ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। आज की ड्राई स्किन के लिए फेस पैक से संबंधित होम रेमेडी है वो आपको कैसे लगी, वीडियो देखने के पश्चात आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले सेशन ऐसे ही किसी फेस पैक या नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।